बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज़ अ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज़ व्हेन अ सीड और स्पोर स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड बिकम्स अ प्लांट। जी, जर्मिनेशन क्या होता है कि जब कोई सीड जो है वो ग्रोइंग स्टार्ट कर दे और प्लांट बन जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। The process of a plant changing from a seed into a fully grown plant is known as its life cycle. जी, life cycle क्या होता है plant का, कि वो seed से fully grown plant जो है वो mature plant बन जाए। तो ये जितनी भी changing आती हैं, जो process होता है, इसको हम क्या कहते हैं, life cycle। क्या कहते हैं, life cycle। तो there are four main stages in the life cycle of a plant। जी, अब हम देखते हैं कि जो प्लांट का एक लाइफ साइकिल है, फोर स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं। तो नंबर वन देखते हैं सीड। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बिगिंस विद अ सीड। अब देखो उसका लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विद अ सीड। सीड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बाय एन अडल्ट प्लांट, जो मेच्योर प्लांट है वहाँ से जो है वो प्रोड्यूस करता है सीड। एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द ग्राउंड। और देखें, जब हम सीड को ग्राउंड में, ज़मीन में लगा देते हैं, तो वहाँ से वो ग्रोइंग स्टार्ट करता है। अच्छा, अब ये सीड को चाहिए क्या क्या। द सीड नीड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल। देखें ना, सीड हम जो ही पानी ज़मीन में लगाते हैं, साथ ही हम पानी लगा देते हैं, ठीक है, उसको जब पानी जो है, पानी भी चाहिए उसको, और मिनरल्स और विटामिन भी चाहिए जो कि ज़मीन में कुछ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो मिनरल्स और विटामिन जो है उसको मिलते हैं और उसको पानी मिलता है, तो वो सीड जो है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है, वो ग्रोइंग स्टार्ट कर देता है और जो है फिर वो प्लांट बन जाता है। नंबर सेकंड पे देखते हैं लाइफ साइकिल में, सीड विद रूट्स एंड शूट्स। सीड विद रूट्स एंड शूट्स, विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द अर्थ, द सीड स्टार्ट्स टू ग्रो रूट्स एंड शूट्स। देखें, जो जितनी उसकी डिमांड है पानी की, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की, वो जब चीज़ें उसे मिल जाती हैं तो वो ग्रोइंग स्टार्ट कर देता है, रूट्स और शूट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। द रूट्स स्प्रेड इन टू द ग्राउंड। जी, रूट्स देखें ज़मीन के अंदर जाती हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं, सो द प्लांट कांट बी मूव्ड ईजिली, और प्लांट फिर ईजिली मूव नहीं कर सकता। द शूट्स ब्रेक थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब जो उसकी शूट्स होती हैं, ये सर्फेस जो होती है ग्राउंड की, अर्थ की जो सर्फेस होती है, उसे ब्रेक करती हैं, ब्रेक करके वो बाहर आ जाती हैं, शूट्स उसकी बाहर आ जाती हैं। ओके, नंबर थ्री पे देखते हैं लाइफ साइकिल में, नंबर थ्री पे क्या है, प्लांट विद लीव्स। आफ्टर द प्लांट ब्रेक्स थ्रू द अर्थ, जो ही वो ज़मीन से बाहर आता है, इट गेट्स सनलाइट दैट हेल्प्स इट ग्रो, इट नाउ ग्रोज लीव्स। जी, इट गेट्स सनलाइट दैट हेल्प इट ग्रोज। अब देखें, सनलाइट से वो क्या होता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो उसके पत्ते बनेंगे, ठीक है, और अब इसका प्लांट्स विद लीव्स, ठीक है, हमने ये देखा कि उसके रूट्स बन गई हैं, शूट्स बनी, देन उसके लीव्स बनेंगे, देन देखते हैं क्या बनता है। द प्लांट विद फ्लावर्स, व्हेन अ प्लांट इज फुली ग्रोन इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स वेयर द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। जी, सीड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर्स में। द सीड्स आर स्कैटर्ड बाई विंड और सम अदर मीन्स एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द अर्थ, देन द लाइफ साइकिल बिगिंस फॉर न्यू प्लांट। अब देखिए क्या क्या हुआ है, सीड जो है सबसे पहले सीड है, ठीक है, वो ग्रो किया है। नंबर टू पे क्या हुआ है, उसके रूट्स बनी हैं और उसके शूट्स बने हैं, ठीक है। नंबर थ्री पे उसके लीव्स बने हैं, नंबर फोर पे फ्लावर बने हैं। जब फ्लावर बनते हैं तो फ्लावर्स के अंदर सीड बनते हैं और वो सीड जो है वो अगेन जो है वो स्प्रेड होते हैं या स्कैटर होते हैं बाई डिफरेंट मीन्स, ठीक है, तो देन जो है वो अगेन जो है वो ये लाइफ साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे तरीके से आपको लाइफ साइकिल आना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।